Hi guys, welcome back to Ritu's Kitchen. So today we'll make tahini sauce. Tahini is an Arabic word. In Arabic, tahini means sesame seeds, til. So आज हम तिल की वाइट तिल की सॉस बनाएंगे और ये मेडिटेरियन फूड के साथ ज़्यादा यूज़ होती है. सो आज हम इसका बेसिक वर्जन बनाएंगे. आप इसमें काफ़ी सारी हर्ब्स वगैरह डाल के इसको एज अ ड्रेसिंग विद सैलड्स यूज़ कर सकते हैं एंड डिप एज अ डिप विद द स्टार्टर्स यूज़ कर सकते हैं. इस तरह से इसके डिफरेंट यूजेस होते हैं. तो चलिए इसको बनाते हैं. टू मेक दिस सॉस यू ओनली नीड द 5 to 7 minutes. तहीनी सॉस बनाने के लिए ये टू मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सेसमी सीड्स वाइट वाले एंड द ऑयल. ऑयल मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है. यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ ऑयल, लाइक वाइज सनफ्लावर ऑयल एंड द ग्रेप सीड ऑयल. फॉर द सॉस मैंने यहाँ पे हाफ कप सेसमी सीड्स लिए हैं एंड वी हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे ऑन द लो फ्लेम. लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे रोस्ट करना है इन जस्ट आई थिंक 2-3 minutes. सीड्स रोस्ट हो चुके हैं, ड्राई रोस्ट हो चुके हैं. अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा कूल डाउन करेंगे. देन वी ग्राइंड पुट इन द ग्राइंडर एंड ग्राइंड हम सेसमी सीड्स को आफ्टर रोस्टिंग इसमें ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और इन्हें ब्लेंड कर लेंगे. फर्स्ट वी ब्लेंड द सेसमी सीड्स फॉर 2 to 3 minutes. After 2 minutes ये half grind हो चुके हैं. Now we add the oil in this. Half cup olive oil इसमें add कर दिया है. And then again we blend this. Also add the salt as per taste. After 2-3 minutes it's ready. The sauce is ready now. So sesame seed sauce, tahini sauce is ready. आप इसे बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसमें गार्लिक और लेमन वगैरह डाल के एज अ ड्रेसिंग सैलेड के साथ यूज़ कर सकते हैं और हर्ब्स ऐड करके स्पाइसेस ऐड करके आप इसे एज अ डिप यूज़ कर सकते हैं विद वेज और नॉन वेज स्टार्टर्स. आई होप यू लाइक द रेसिपी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू फॉर द next video.